गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इन दोनों के अंदर फंडामेंटल और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम व्यू की बात करें तो ये समरी के रूप में 5 to 10 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 5 to 10 नहीं, 3 to 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और मल्टीपल चॉइस का बात करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो ये एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आज थोड़ा आंधी तूफान ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि वीडियो के अंदर वॉइस साइड की जो एयर की वॉइस आ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन का मेन फंक्शन होना चाहिए स्टडी पे और मेरे वॉइस पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? रोकथाम। रोकथाम तो कोई भी बीमारी है उसको रोकने के कौन कौन से लेवल होते हैं, कौन कौन सा स्तर होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी बीमारी होने से पहले अपन रोकने के लिए जो हेल्थ एजुकेशन देते हैं पर्सन को, वो किस टाइप का प्रिवेंशन रहेगा। दूसरा है पेशेंट को डिजीज़ हो गई है उसको और कॉम्प्लिकेशन आगे न बढ़े उसको रोकने के लिए जो प्रिवेंशन होता है वो किस टाइप का प्रिवेंशन होता है। तीसरा कि किसी पर्सन को कोई डिसेबिलिटी हो गई है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द पैरालिसिस हो गया है, तो उसको वापस रीस्टोर करना, वापस उसको रिहेबिलिटेशन की कंडीशन में लाना, ये किस टाइप का प्रिवेंशन रहेगा। तो ये सारे जो प्रिवेंशन के जो टाइप्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 3 to 5 जो मार्क्स के रूप में भी या 1-1 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में उसके कौन कौन से एग्जांपल होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए मैंने यहाँ पे नीचे हिंदी के अंदर भी PDF अपलोड कर दी है, अटैच कर दी है फाइल, ताकि हिंदी के अंदर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखते हैं, बात करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको अभी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छे से आ रही है और आपको हर वर्ड को अच्छे से समझ में या देख रहे होंगे। यदि जो कैंडिडेट जिनको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है, इसका कारण ये हो सकता है कि आपके यहाँ पे राइट साइड में जा कर के आप वीडियो को ओके करेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट आएगा, तो 3 डॉट आएगा तो इसकी क्वालिटी को आप बढ़ा दीजिए। 3 डॉट पे आप ओके करोगे तो यहाँ पे क्वालिटी को इनक्रीज़ कर लीजिएगा, क्वालिटी को 460 पे रखिएगा। ठीक है, 144 पे होता है तो क्वालिटी, स्क्रीन की क्वालिटी वो अच्छी नहीं रहेगी, तो आप 460 पे कीजिए और अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी सी क्वालिटी देखने को मिलेगी। ये परमानेंट के लिए आप वहाँ पे सेव कर दीजिएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन की सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रिवेंशन का मतलब क्या हुआ है, कि इम्प्रूविंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के अंदर हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना, कोई भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना प्रिवेंशन कहलाता है। प्रिवेंशन इज ए एक्शन। प्रिवेंशन के अंदर क्या एक्शन किया जाता है, आइम्ड एट द इरेडिकेशन, एलिमिनेशन या मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज या डिसेबिलिटी। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी डिजीज़ के प्रभाव को कम करने, उसको रोकने और उसको जड़ से निकालना। इरेडिकेशन का मतलब क्या हुआ, टीयर आउट फ्रॉम द रूट, टीयर आउट फ्रॉम द रूट। तो ये इस प्रकार की जो एक्शन किया जाता है वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये थी अपने बेसिक डेफिनेशन कि कोई भी बीमारी को रोकना, किस स्तर पे रोकते हैं वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन रहेगा। तो अपन बात करते हैं कि उस कौन कौन से लेवल हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ प्रिवेंशन। तो टाइप ऑफ प्रिवेंशन के अंदर 4 टाइप्स के प्रिवेंशन है। तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, सेकेंड है प्राइमरी प्रिवेंशन, थर्ड है सेकेंडरी प्रिवेंशन और फोर्थ है टर्शियरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये अपन पढ़ने वाले हैं, तो एक एक को अपन सबसे पहले उनका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका मोड ऑफ इंटरवेंशन पढ़ेंगे कि अपन उसको किस हिसाब से रोक सकते हैं, और उसके बाद में तीसरा अपन पढ़ेंगे कि इनका कौन कौन से एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन
देखिएगा। अब देखते हैं प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन की डेफिनेशन की बात करें। एक्शन टेकन प्रायर द डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर इन पॉपुलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ है कि कोई भी डिजीज होने से पहले या कोई भी रिस्क फैक्टर अपीयर होने से पहले उस पर्सन को बीमारी को रोकथाम करना प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाता है। इसमें रिस्क फैक्टर होता है वो अब्सेंट होता है। प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर जो रिस्क फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। और रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से पहले रोकना, जैसे कोई भी बीमारी हो रही है उस बीमारी से पहले ही पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे देना। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेशेंट ओबेसिटी है, मोटा है, तो उसको डेली एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे ताकि उसको कार्डिक डिजीज न हो या कोई प्रकार की बीमारी न हो, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो कोई भी बीमारी होने से पहले उस पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं मोड ऑफ इंटरवेंशन। मोड ऑफ इंटरवेंशन का मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ इंटरवेंशन, मोड का मतलब होता है माध्यम या मीडियम, मीडिया, माध्यम या मीडिया। और इंटरवेंशन का मतलब होता है कि एक्शन, कार्य, है ना। इंटरवेंशन का मतलब होता है एक्शन या कार्य, क्या क्या अपन काम करेंगे ताकि प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन किया जा सके, ठीक है ना। तो मोड ऑफ इंटरवेंशन के अंदर सबसे पहले है इंडिविजुअल एजुकेशन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हेल्थ एजुकेशन देना, किसी एक पर्सन को, पर्टिकुलर एक पर्सन को हेल्थ एजुकेशन देना इंडिविजुअल एजुकेशन आएगा। दूसरा है मास एजुकेशन। मास एजुकेशन के अंदर इसमें टीवी है, रेडियो के द्वारा एक लार्ज ग्रुप को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। जैसे कि आपने देखा होगा कि टीवी एड पे आता है, टीवी एड्स रिलेटेड टू स्मोकिंग विच इज कॉज लंग्स कैंसर। तो इसमें स्मोकिंग करने से लंग्स कैंसर होता है, तो ये टीवी पे एड आता है। तो ये एक मास मीडिया हो गया, मास एजुकेशन हो गया, जिसके द्वारा सब लोगों को एक इंफॉर्मेशन, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि स्मोकिंग नहीं करना है, अवॉइडेंस करना है, ताकि क्या हो जाएगी लंग्स के कैंसर से बचा जा सके, ठीक है। तो कोई भी बीमारी होने से पहले उसको रोकने की जो एक्शन लिया जाता है प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में देखते हैं, एक मलेरिया का एग्जांपल देते हैं कि पेशेंट को मलेरिया नहीं है, पेशेंट को मलेरिया नहीं हुआ है, मलेरिया डिजीज नहीं होती है, नहीं हुई है, बट उससे पहले क्या है कि घर के आसपास साफ सफाई रखें, छोटे गड्ढे को मिट्टी से भरकर रखना, टूटे बर्तनों या टायरों में जमा बारिश के पानी को बाहर फेंकना है ताकि वहाँ पे मलेरिया, सॉरी मॉस्किटो, वो वहाँ पे पनपेंगे नहीं, वहाँ नहीं रहेंगे तो मॉस्किटो नहीं होंगे, बाइट नहीं करेंगे, और बाइट नहीं करेंगे तो डिजीज अपीयर नहीं होगी। पीने व अन्य उपयोग में जमा किया गया पानी को ढक के रखना है। तो ये सब इस प्रकार की जो व्यवस्था करते हैं वो किसके अंदर आएगा, प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर आएगा। एग्जांपल की बात करें प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर, चेंज लाइफ मॉडिफिकेशन, चेंज लाइफ मॉडिफिकेशन, जैसे पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है तो वो क्या है कि मॉडिफिकेशन लाइफ चेंज कर देगा। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है ना, तो हाइपरटेंशन बचने के लिए उसको ऑयली खाना के लिए मना करेंगे, दूसरे अपना डेली एक्सरसाइज करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए बोलेंगे। तो ये सब लाइफ मॉडिफिकेशन रहेगा, जिसमें लाइफ को कुछ चेंजेज किया है ताकि उसको कोई भी आगे बीमारी होने से रोका जा सके। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपका आ सकता है, ठीक है। दूसरा है अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड एल्कोहल, एल्कोहल और जो स्मोकिंग है उसको रोकना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना, और सैनिटेशन मतलब साफ सफाई रखना। तो ये सारे के सारे प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन के एग्जाम्पल है। एग्जाम के अंदर ये आएगा कि किसी भी पर्सन का चेंज लाइफ मॉडिफिकेशन किसका उदाहरण है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या प्रिमोर्डियल। तो आपको आंसर देना है प्रिमोर्डियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। देखो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज, डिजीज होने से पहले एक्शन लेना, ठीक है ना। बट उसके अंदर क्या है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, इसके अंदर मान लीजिए कोई भी बीमारी है, उस बीमारी से जस्ट पहले, ऑनसेट ऑफ द डिजीज, डिजीज होने से जस्ट पहले की कंडीशन है, उस टाइम में सतर्क रहने की कोशिश की जाती है, वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर मोड ऑफ इंटरवेंशन की बात करें या कंपोनेंट की बात करें तो दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हैं हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य की उन्नति, और दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो इसके द्वारा क्या है,
कि प्राइमरी प्रिवेंशन किया जा सकता है। ठीक है, देखिएगा प्राइमरी प्रिवेंशन के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हेल्थ प्रमोशन, जिसके अंदर पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट प्रोवाइड करवाएंगे, अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, प्रॉपर रेस्ट, स्लीप और एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। तो ये सब किसके अंदर आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर रहेंगे। दूसरा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करें तो पेशेंट को वैक्सीनेशन करना, किसी भी क्लाइंट को वैक्सीनेशन करना, जैसे कि BCG का वैक्सीन देते हैं, तो BCG का वैक्सीन देने का मतलब ये हुआ कि उस पेशेंट को कोई डिजीज़ नहीं है, उस पर्सन को कोई डिजीज़ नहीं है, इट इज़ ए ओनली प्रोफाइलेसिस के रूप में देते हैं, उसको आगे कोई TB का इन्फेक्शन न हो या पेशेंट को TB का इन्फेक्शन न लगे, इसके लिए एक प्रोफाइलेसिस के रूप में, सेफ्टी के रूप में उस पर्सन को BCG वैक्सीन देते हैं। तो ये जितने भी इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन हुआ प्रोफाइलेसिस के रूप में, जैसे कीमोथेरेपी के अंदर देते हैं या सप्लीमेंट्री ऑफ विटामिन, तो या कॉन्ट्रासेप्टिक जैसे कंडोम यूज करते हैं। दूसरा है मॉस्क्यूटो नेट एंड मॉस्क्यूटो रेफलेंट क्रीम यूज करते हैं ताकि मलेरिया ना हो। तो ये सब किसके अंदर आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। दूसरा है वाटर प्यूरिफिकेशन है, प्रिवेंशन ऑफ RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यूज ऑफ हेलमेट एंड बेल्ट सीट लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, अपन को यदि गिर भी गए तो इंजुरी नहीं होगी, तो कोई डिजीज नहीं होगी, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में है कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट, तो इसके अंदर एयर पोल्यूशन है, क्वारंटीन हुआ, हैंड वॉशिंग हुआ। देखो क्वारंटीन के अंदर क्या होगा कि क्वारंटीन टू ए पर्सन, उसको पर्सन को अलग करना, जैसे इसके अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं है, बट हो सकती है डिजीज़ यदि वो मार्केट में घूमेगा, यदि वो घर के अंदर क्वारंटीन नहीं रहेगा तो उसको दूसरी प्रकार की आती है, जैसे अभी चल रहा है COVID-19, तो COVID-19 के अंदर होम क्वारंटीन करते हैं लोगों को, मतलब वो घर में रहने के लिए बोलते हैं। इसका मतलब है कि आप घर में रहिएगा, आप स्वस्थ तो है, बट यदि बाहर घूमेंगे तो क्या है, अस्वस्थ हो सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शन आपको लग सकता है, तो वो क्वारंटीन वाला रहेगा आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करें तो सेकेंडरी प्रिवेंशन इज एक्शन टेकन टू इंटरप्ट डिजीज इनिशियल स्टेज एंड प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन। इसका मतलब है कि इस पर्सन को डिजीज है और डिजीज होने के बाद में उनको डिजीज़ को रोकना और उससे उत्पन्न होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है, जटिलता है, उसको रोकना सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर कंपोनेंट की बात करें तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन किया जा सकता है। अर्ली डायग्नोसिस के अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे रेडियोलॉजिकल मतलब एक्सरे करना एंड लेबोरेटरी मतलब खून की जाँच करना, स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से क्या होगा कि मान लीजिए ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ है नहीं है तो उसको स्क्रीनिंग करना, उसको देखना, उसको एक जांच के द्वारा। तो यदि मान लीजिए कोई भी किसी भी प्रकार की ट्यूमर है तो इसका मतलब है कि कैंसर हो सकता है, तो आगे स्प्रेड न हो उसके लिए अपने अर्ली डायग्नोसिस करते हैं। दूसरा है टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड पैप स्मेयर, तो ये सब सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर रहेगा। दूसरा है ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, पेशेंट को मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स यूज इन POCD, तो POCD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो उसके लिए क्या करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक प्रोवाइड करवाते हैं, पेशेंट को आइसोलेट करते हैं। देखियो क्वारंटीन के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो पेशेंट स्वस्थ है, उसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, बट वो मार्केट में जाएगा, वो घूमेगा, वो पेशेंट के संपर्क में आएगा, डिजीज हो सकती है, वो क्वारंटीन करने के लिए बोलते हैं। बट आइसोलेशन का मतलब ये हुआ कि पेशेंट को डिजीज है, वो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द इफ़ एनी टाइप ऑफ डिजीज, वो डिजीज से ग्रस्त हो गया है, उसको एक स्वस्थ व्यक्ति से दूर रखना ताकि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके ऊपर उनके लक्षण ना जाए, उनको इन्फेक्टेड ना कर दें। तो इसका मतलब है कि आइसोलेट, जैसे कोरोना के अंदर जो पेशेंट होते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है ताकि उसको तो कोरोना के लक्षण है बट वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड ना करें, तो इसके लिए आइसोलेशन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया होगा, क्वारंटीन इज ए प्राइम
प्राइमरी प्रिवेंशन और आइसोलेशन इज ए सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, पेशेंट को साइकोथेरेपी देना, हेल्थ प्रोग्राम इनिटिएट बाय द गवर्नमेंट, ये सब किसके अंदर रहेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर रहेंगे। एग्जाम के अंदर आपके ये आएगा कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किस प्रकार का प्रिवेंशन है, तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन इज ए सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन है। या आपका ये भी आ सकता है कि लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं या स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो ये किस प्रकार का प्रिवेंशन रहेगा, तो ये भी आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं ना। देखिएगा, नेक्स्ट आपका है टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन इज एक्शन टेकन इन लेटर फेज ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन टू रिड्यूस इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। देखिएगा, कोई भी डिजीज हो गई है, उस डिजीज़ के बाद में लेटर फेज, बहुत लास्ट फेज में, उसके बारे में जो डिजीज़ प्रोग्रेस हुई है उसको रोकने के लिए, या पेशेंट को इम्पेयरमेंट हो गया है, वो डिसेबिलिटी हो गई है, पेशेंट को पैरालिसिस हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर कोई भी उसको हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना, तो वो क्या आएगा, किसके अंदर आएगा, टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर रहेगा। इसके अंदर मोड ऑफ इंटरवेंशन के अंदर क्या रहेगा, मतलब किसके द्वारा आप वापस से टर्शियरी प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन, जैसे कि पोलियो वाले पेशेंट है, उसको पैरालिसिस हो गया है तो वो चल नहीं फिर पाता है, तो वो क्रसेस की सहायता से, हाथ के पास में जो एक क्रसेस होता है उसके सपोर्ट से साथ में वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, यूज ऑफ प्रोस्थेटिक आफ्टर एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब है कि किसी हड्डी को काट दिया, जैसे पैर को काट दिया है तो वो पैर छोटा हो गया है, तो इसलिए वहाँ पे प्रोस्थेटिक या प्लास्टिक का जो पैर लगा करके पेशेंट को पहले जैसी कंडीशन में चलाया जाता है, वो क्या है, टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर रहेगा। या फिजियोथेरेपी देते हैं पोलियो वाले पेशेंट जिसमें पैरालिसिस हो जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, नर्व सेंसेशन कम हो जाता है, उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी करते हैं और वहाँ से वापस धीरे धीरे सर्कुलेशन को रिस्टोर किया जाता है, तो ये सब किसके अंदर रहेगा, टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या हुआ, द एक्शन टू रिस्टोर समवन ऑफ हेल्थ फॉर नॉर्मल लाइफ थ्रू द ट्रेनिंग या फिजियोथेरेपी आफ्टर इम्पेयरमेंट एडिक्शन या इलनेस। तो ये इलनेस है, बीमारी हो गई है, तो फिजियोथेरेपी के द्वारा वापस पुणे उसी कंडीशन में लाना जो पहले पर्सन था, तो ये है रिहेबिलिटेशन। तो एग्ज़ाम के अंदर ये आएगा कि रिहेबिलिटेशन या डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करने के लिए, या इम्पेयरमेंट हुआ है या डिसेबिलिटी है, तो ये किस प्रकार का प्रिवेंशन है, ये तो टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर रहेंगे। उसके बाद में बहुत सारी डिजीज है जो लॉस ऑफ सेंसेशन पैरालिसिस कॉज करते हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज है, मस्तिष्क ग्रेविस है, या कैंसर डिजीज है, तो इसके लिए ये किसकी ज़रूरत पड़ती है, टर्शियरी प्रिवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में हिंदी के अंदर भी जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी के अंदर भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आई हैव होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।